चैप्टर 21 और चैप्टर 21 बहुत सिंपल चैप्टर है और इसमें हम लोग बात करेंगे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। चैप्टर का नाम होगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हमको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है। देखिए, कंट्रोल मतलब सीधा सीधा किसी का नियंत्रण, किसी का कमांड। हमारे बॉडी पे किसका नियंत्रण होता है ये हमको समझना होगा। और क्या वाकई में हमारे बॉडी में कोई कंट्रोल करने वाला पार्ट होता है जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है? दूसरा, यहाँ पे बात करेंगे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब समन्वय बनाना, तालमेल बनाना। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं, वो सभी ऑर्गन आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए काम करते हैं। वो कोऑर्डिनेशन कौन बनवाता है, कौन कंट्रोल करता है? तो यहाँ पर हमको आंसर मिलता है न्यूरल, मतलब एक ऐसा टिश्यू सिस्टम जो हमारे बॉडी में मिलता है और हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को कंट्रोल में भी रखता है और उनको आपस में तालमेल बनाने में भी मदद करता है। तो एक ऐसा न्यूरल सिस्टम हमारे बॉडी में है, खास तौर पे हम उसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। तो विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होती है, ये हमको पढ़ना है चैप्टर 21 में। देखिए, कोऑर्डिनेशन का मतलब एक बहुत सिंपल आप समझिए। मान लीजिए आपको रनिंग करना है, दौड़ना है, तो रनिंग करने के लिए आपके कौन कौन से बॉडी ऑर्गन काम करेंगे? अगर आपको रनिंग करना है, हमने चूंकि मूवमेंट वाला चैप्टर पढ़ा था, तो रनिंग करने के लिए हमारी मसल्स को काम करना पड़ेगा, हमारे स्केलेटल सिस्टम को काम करना पड़ेगा। इसके अलावा मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन चाहिए तो हमारे लंग्स को काम करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जल्दी जल्दी होना चाहिए, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन का भी काम होगा। मतलब ट्रांसपोर्टेशन में कौन आएगा? ट्रांसपोर्टेशन में आएंगे हार्ट, ब्लड, है ब्लड कैपिलरी, यहाँ पे काम करना पड़ेगा। और अलर्टनेस होना है, कहीं ना कहीं आपका बॉडी का तालमेल बनाना है, कहीं ऐसा ना हो रनिंग करते करते आप लड़खड़ा जाए, गिर जाए, तो आपके बॉडी का बैलेंस भी बनाना है उस वक्त। और क्या चाहिए? एनर्जी हो गई, फूड वहां पे लगातार सप्लाई होगा, मतलब ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन तेज होगा, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस भी उस वक्त तेज चलेंगी। सभी मेटाबॉलिक प्रोसेस लगातार फूड को तोड़ा जाएगा और एटीपी बनाया जाएगा, तभी तो आप दौड़ पाओगे, नहीं तो कैसे दौड़ पाओगे। तो एक काम करने के लिए हमारे बॉडी के कितने अलग अलग ऑर्गन्स को एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा। हमारे लंग्स को भी काम करना होगा, हमारे हार्ट को भी काम करना होगा, मसल्स को भी काम करना होगा, बॉडी बैलेंस बनाने के लिए ब्रेन को भी काम करना होगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए हमारी कुछ जो ग्लैंड्स हैं, खास तौर पे हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड वगैरह, वहाँ से भी कुछ सीक्रेशन होगा। हमारे हर सेल के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही होती है। तो इन इतने सारे वर्क को एक साथ पता कैसे चलता है कि हम दौड़ने के लिए काम कर रहे हैं? एक्चुअली दौड़ने का काम तो मसल्स और स्केलेटन सिस्टम करवा रहे हैं, फिर हार्ट को कैसे पता चलता है कि भैया अब दौड़ रहे हैं इसलिए मुझे तेजी से काम करना है? लंग्स को कैसे पता चलता है कि अब दौड़ रहे मुझे ज़्यादा ऑक्सीजन देना है? क्यों सांस तेज चलने लगती है अपने आप? एक्चुअली जब भी कोई काम होता है, जब उस वर्क को करने का कोई डिसीजन लिया जाता है, तो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में सब कुछ होता है। हमारा ब्रेन जब सोच लेता है कि हमको ये काम करना है, एक स्पेसिफिक फंक्शन करना है, तो जितने भी रिलेटेड ऑर्गन्स हैं वो सबको पॉइंट टू पॉइंट एक मैसेज देता है
कि अब आप काम करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मुझे अभी रनिंग करना है। अगर ब्रेन ने ये सोच लिया कि रनिंग करवाना है, तो हर एक रिलेटेड ऑर्गन को, जिन जिन का रोल वहां पे होगा, हर ऑर्गन को मैसेज जाएगा, और मैसेज इस नर्वस सिस्टम का जो मैसेज है वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट है। ब्रेन से सीधा हार्ट को मैसेज गया, ब्रेन से सीधा लंग्स को मैसेज गया, ब्रेन से सीधा मान लीजिए ग्लैंड्स को मैसेज गया, स्केलेटन सिस्टम को गया, मसल्स को गया। पॉइंट टू पॉइंट एकदम मैसेज ट्रांसफर किया जाता है, और वो भी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, वो भी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एकदम क्विक मैसेज ट्रांसफर होता है। और जैसे ही किसी ऑर्गन को मैसेज मिलता है, वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है, उसी के हिसाब से वो काम करना शुरू कर देता है। हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जो ब्रेन का कहना ना माने। अगर ब्रेन ने कमांड दिया तो उस ऑर्गन को काम करना ही पड़ेगा उसी हिसाब से। हाँ, यहाँ बहुत कुछ तालमेल होता है, बहुत अच्छा कंट्रोल देखने को मिलता है हमारे ब्रेन का, हमारे नर्वस सिस्टम का। तो हमारे बॉडी के सभी पार्ट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक साथ मिलकर वो काम करते हैं जो आपकी बॉडी करना चाहती है, जिसका डिसीजन आपके ब्रेन ने लिया है। कहीं ना कहीं ब्रेन इज द कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ आवर बॉडी, एंड इट इज कंट्रोलिंग ऑल द ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। सो दैट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। करता कौन है? ब्रेन करता है। क्या अकेला ब्रेन करता है? नहीं, पूरा एक सिस्टम होता है जिसे हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। वो पूरा नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, एक साथ काम करने के लिए उनको तैयार करता है। हालांकि नर्वस सिस्टम का जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो सीधा पॉइंट टू पॉइंट होता है, और उसमें होती हैं बहुत सारी नर्व जिनकी मदद से वो सीधा डायरेक्ट सिग्नल भेजता है, ताकि वो ऑर्गन बहुत जल्दी काम करने के लिए तैयार हो जाए। तो इस तरह का हमारे पूरे बॉडी में बहुत सारा एक नेटवर्क बना हुआ है, और ये नेटवर्क बना है नर्वस सिस्टम का। और ये पूरा नेटवर्क, जैसे मान लीजिए अभी आपको कोई मैसेज ट्रांसफर करना है, तो अभी नेटवर्क हम यूज करते हैं, सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज डाला, जो जो रिलेटेड बच्चे हैं सबको तुरंत मैसेज मिल जाता है। ऐसे ही हमारा ब्रेन, अगर बॉडी को कोई काम करवाना है तो तुरंत एक मैसेज डालता है, हर ऑर्गन को वो मैसेज मिल जाता है, और तुरंत वो बॉडी आपका काम करना शुरू कर देती है। तो हम जो यूज कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम लोग यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप, इंटरनेट वगैरह यूज कर रहे हैं, ऐसा ही एक सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर है, और वहां बिल्कुल फाइबर केबल डली है। पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट तक फाइबर केबल है, सीधा सिग्नल जाता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, और वहां मैसेज मिलता है, और ऑर्गन आपके काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होना वाकई में जरूरी है। अगर केवल मसल्स काम करती रहेंगी और लंग्स ने अगर ऑक्सीजन नहीं भेजी, तो मसल्स बेचारी लड़खड़ा जाएगी, काम नहीं करेगी। हाँ, आपका स्केलेटन सिस्टम मूव ही नहीं कर पाएगा। अगर हार्ट बीट नहीं बढ़ी, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई, फूड की सप्लाई नहीं हुई, तो कोई भी काम करना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब सभी ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट करता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का वो काम है कि वो सबको एक साथ पूरे बॉडी को तैयार करे, ताकि बॉडी पूरा एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हर काम को एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाए। तो ये इसका मेन जो कंसेप्ट है नर्वस सिस्टम का, कि आखिर क्या करता है। अगर ये नर्वस सिस्टम अगर हमारी बॉडी में नहीं होता, तो शायद हमारी बॉडी के ऑर्गन्स आपस में मिलकर काम नहीं कर पाते, और हमारा जो ये सिस्टम चल रहा है बॉडी के अंदर, ये फेल हो जाता और सभी काम हमारे ठप हो जाते। अगर किसी व्यक्ति का ब्रेन डेड हो गया, हम सुनते हैं कई बार केस ऐसे आते हैं, ब्रेन डेड हो जाता है, ब्रेन काम करना बंद कर देता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है, तो बॉडी का कोई भी ऑर्गन मूव नहीं करता, उसका कुछ भी मूव नहीं करता पूरे बॉडी में। बॉडी जीवित है लेकिन काम कुछ नहीं करेगी। तो ऐसे आदमी को ज्यादा दिन तक सरवाइव भी नहीं करते, फिर उसको थोड़ा ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह के लिए डोनेट करते हैं, कुछ इस तरह के केस आते हैं।
तो ब्रेन के बिना कुछ भी नहीं है। ब्रेन है, हमारा नर्वस सिस्टम है, तभी हमारा बॉडी आपस में मिलके काम करता है। तो ब्रेन की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। हेलमेट भी लगाना है, ब्रेन को शांत भी रखना, कूल भी रखना है। और नेचर ने हमारा ब्रेन बहुत ही सुरक्षित इनवलप के अंदर पैक करके हमको दिया हुआ है। हमारे जो स्कल है, स्कल के अंदर बोन्स हैं, बोन्स के अंदर एक कैविटी बनाई है, उस कैविटी के अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है, ताकि छोटा मोटा जो शॉक लगता है उससे कोई फर्क ना पड़े। फिर भी ब्रेन की सुरक्षा हमारी बॉडी की सुरक्षा है, क्योंकि ब्रेन नहीं तो हमारी बॉडी कोई काम नहीं करेगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आखिर क्या नेटवर्क है हमारे बॉडी में, कैसे हमारा बॉडी को कंट्रोल करने वाला सिस्टम पाया जाता है बॉडी के अंदर, वो हमको देखना है। इससे पहले एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन में सीलेंट्रेटा की, जैसे हाइड्रा है, सीलेंट्रेटा की अगर हम बात करते हैं, सीलेंट्रेटा में वहां पे कुछ न्यूरॉन सेल होती हैं जो इस तरह का काम करती हैं। केवल न्यूरॉन सेल, ओनली द सेल वहां पाई जाती हैं पूरे बॉडी में, जो कि डिप्लोब्लास्टिक होता है, दो ही जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो वहाँ बीच बीच में कुछ स्पेशल न्यूरॉन सेल पाई जाती हैं जो मैसेज रिसीव करके रेस्पॉन्स करने के लिए जिम्मेदार हैं। टेंटाकल्स मूव करते हैं, खाना आया कि जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं विद द हेल्प ऑफ न्यूरल सेल वहाँ पे मौजूद होती हैं। जैसे जैसे हम क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं, आर्थ्रोपोडा पे पहुँचते हैं। आर्थ्रोपोडा में, तो आर्थ्रोपोडा में काफी एडवांस हो चुका होता है नर्वस सिस्टम। वहाँ हेड के अंदर ब्रेन भी पाया जाता है, और पूरे बॉडी में जगह जगह इस तरह न्यूरॉन सेल के गुच्छे पाए जाते हैं। जगह जगह न्यूरॉन सेल के इस तरह के छोटे छोटे गुच्छे पाए जाते हैं, जिनको हम गेंगलिया बोलते हैं। तो वहाँ हेड में ब्रेन जैसा भी पार्ट है, गेंगलिया भी है, और वहां से न्यूरॉन निकल रही है जो बॉडी के हर पार्ट को लगभग कनेक्ट कर रही है इस तरह से। ये कहीं ना कहीं गैंग्लिया यहाँ हेल्प करते हैं। इस तरह से ये पूरा नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी में पाया जाता है एक आर्थ्रोपोडा के अंदर, ये इस तरह से है। तो ये नर्वस सिस्टम का पूरा नेटवर्क होता है आर्थ्रोपोडा के अंदर भी। गैंग्लिया शब्द नाम याद रखना। गैंग्लिया क्या होता है, ये जो नर्व निकलती है इस तरह की, वो नर्व बीच बीच में यहाँ ग्रुप ऑफ सेल हो जाता है न्यूरोन सेल का, एक गुच्छा सा बन जाता है, उस गुच्छे को बोलते हैं गैंग्लिया। ज्यादा घबराना नहीं है, गैंग्लिया। पूरा नर्वस सिस्टम हमारा कुछ स्पेशल सेल से बना है, और उन स्पेशल सेल को हम बोलते हैं न्यूरॉन। उन स्पेशल सेल को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन से मिलके बनता है पूरा नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन कुछ स्पेशल सेल है जो स्पेशल काम कर सकती हैं। एक्चुअली ये मैसेज को ट्रांसफर करने की पावर रखती हैं, वो भी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। और एक सेल अपना इलेक्ट्रिकल फॉर्म दूसरे को ट्रांसफर भी कर सकती है। और बीच में कुछ हम बात करेंगे सिनेप्सिस की। चूंकि हम क्लास 10 में ये थोड़ा सा टॉपिक पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ये जो आपको ट्रांसफर करने वाला प्रोसेस है सिनेप्सिस का नाम ले रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर भी अगर हम बात करते हैं कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो कॉर्डेटा का जो नर्वस सिस्टम होता है वो डोर्सल होता है, होलो होता है, और डोर्सल, होलो और सिंगल होता है। नॉन कॉर्डेटा की बात करते हैं तो वेंट्रल साइड में होता है, और पेयर में होते हैं इसमें जो नर्वस सिस्टम के धागे हैं, और वो भी सॉलिड होते हैं। इस तरह का हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ डिफरेंसेस भी पढ़े थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्यों ना हम उस सेल को जान लें कि ये सेल क्या है, न्यूरॉन कैसा होता है, या फिर पहले हम ये शुरू कर लें कि ह्यूमन बींग्स के अंदर नर्वस सिस्टम कैसा पाया जाता है, कौन कौन से टाइप होते हैं। दोनों ही चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। तो पहले क्यों ना हम बुक के हिसाब से चलते हैं, हम पहले बात करेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन बींग्स के अंदर नर्वस सिस्टम कैसा होता है इसकी हम बात करेंगे। तो देखिए, ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका मान लीजिए ह्यूमन बींग्स हो गया, ये आपका ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब इसके ये पैर जा रहे हैं और ये इसके हाथ जा रहे हैं,
ये इस तरह से मान लीजिए हम ह्यूमन बींग्स बना दें, इसके बॉडी के अंदर वो नर्वस सिस्टम कहाँ है? तो देखिए सबसे बड़ा तो नर्वस सिस्टम यहाँ पे मौजूद है हेड के अंदर। यहाँ पे बहुत सारी करोड़ों न्यूरॉन सेल का गुच्छा है, कॉम्पैक्ट ग्रुप है, जिसे हम बोलते हैं ब्रेन। मिलियंस ऑफ न्यूरॉन सेल्स आर फाउंड इंटीग्रेटेड लाइक हेयर। बहुत सारी सेल आपस में गुच्छा बना रही हैं, केवल न्यूरॉन सेल से मिलके बना होता है हमारा ब्रेन। और हर सेल को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और फूड की सप्लाई ब्लड कैपिलरीज यहाँ करती हैं, ब्रेन को भी ब्लड की सप्लाई होती है और हर सेल को न्यूट्रिशन मिलता रहता है। तो ये न्यूरॉन सेल से ही बना है और इस न्यूरॉन का हमारे यहाँ टेल तक इस तरह का एक धागा निकलता है और इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती है हमारी नर्व कॉर्ड। ये हमारा पार्ट इस तरह से पीठ पे, डॉर्सल साइड में, पीठ की साइड में हड्डियों के अंदर बंद एक धागा सा होता है, सिंगल है, होलो है, डॉर्सल है। ये जो पार्ट है ब्रेन और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ठीक है। ये जो दो पार्ट हैं ये किसी भी मैसेज को प्रोसेस कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। प्रोसेसिंग एंड डिसीजन की पावर इन दोनों पार्ट के पास मौजूद होती है। ये किसी भी ऑर्गन को कोई भी कमांड दे सकते हैं और बॉडी के उस ऑर्गन को इनका कमांड मानना ही पड़ता है। तो ये दोनों पार्ट जो हैं ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये दोनों के दोनों हमारे किसमें आएंगे? चूंकि ये प्रोसेसिंग कर सकते हैं, मैसेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और एक डिसीजन लेने की पावर रखते हैं, इसलिए इन दोनों पार्ट को हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये हमारे नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है जो कमांड दे सकता है, मैसेज को एनालिसिस कर सकता है और पूरी बॉडी को कंट्रोल ये करवा सकते हैं। कौन कौन शामिल होगा इसमें? ब्रेन होगा और स्पाइनल कॉर्ड होगी, ठीक है। अब इनको कोई भी मैसेज प्रोसेस करने की पावर तो है, लेकिन इनको मैसेज लाएगा कौन? तो मैसेज लाने के लिए अलग अलग सेंस ऑर्गन हमारे बॉडी में है। 5 सेंस ऑर्गन है, आपको याद होगा, आंख, कान, नाक, स्किन और क्या है, टंग। 5 सेंस ऑर्गन आपके हैं जो अलग अलग टाइप का मैसेज हमारे बॉडी को उपलब्ध कराते हैं, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उपलब्ध कराते हैं। तो कोई भी सेंस ऑर्गन है वहां पर जो न्यूरॉन सेल होती है, न्यूरॉन सेल इस तरह का मान लीजिए एक फाइबर जैसा बना रही है, इनको हम बोलते हैं नर्व। ये सेंसरी नर्व है और ये सेंसरी नर्व इस तरह से कहीं ना कहीं आपस में आकर इसको मैसेज उपलब्ध करा देती है और यहां से ये मैसेज फिर बाद में ऊपर चला जाता है ब्रेन के पास। तो ये जो सेंसरी नर्व है ये मैसेज ला रही है, ध्यान देना, ये मैसेज लाने वाली है। ये आपका पहुंच गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज। इन सभी नर्व को, नर्व एक्चुअली क्या है, नर्व एक तरह का वायर है, एक कॉपर का तार जैसे इलेक्ट्रिक करंट को लेके जाता है, ऐसे ही ये एक इस तरह का सेल है। हमारी बॉडी में वायर तो होंगे नहीं, जो कुछ भी बना है वो सब सेल से बना है। तो ये न्यूरॉन सेल का इस तरह का मान लीजिए ये एक धागा सा बना हुआ है और इसको हम बोलते हैं नर्व। नर्व क्या है? नर्व इज द चेन ऑफ न्यूरॉन सेल। हर सेल एक न्यूरॉन सेल है, और ये जो शुरुआत की न्यूरॉन है फर्स्ट वाली, जो कोई मैसेज रिसीव कर रही है, इस फर्स्ट वाली न्यूरॉन सेल को ही हम बोलते हैं रिसेप्टर सेल। इसको क्या बोलते हैं? रिसेप्टर सेल। तो कोई भी मैसेज आएगा पहले रिसेप्टर सेल को आएगा, रिसेप्टर सेल से न्यूरॉन अगली न्यूरॉन को मैसेज देगी, ये न्यूरॉन इसको देगी, ये न्यूरॉन इसको देगी और मैसेज ट्रांसफर होते 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 फाइनल कहां पहुंच गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास पहुंच गया। ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो ये जो मैसेज सेंस ऑर्गन से हमारे सीएनएस को मैसेज लाने वाली जो नर्व हैं, इन नर्व को बोलते हैं एफरेंट फाइबर।
इनको क्या बोलते हैं? एफरेंट फाइबर। बात समझ में आई? एफरेंट फाइबर। अब मान लीजिए यहां पर मैसेज आ गया, अब ब्रेन ने उस मैसेज को एनालिसिस किया कि कोई पिन चुभाया, किसी ने यहां पे पिन चुभाया, तो ब्रेन ने एनालिसिस किया कि किसी ने पिन चुभाया है। अब वो पिन चुभाया, उसने फिर अपना डिसीजन ले लिया कि मुझे क्या करना है, मुझे जिसने पिन चुभाया उसके वो थप्पड़ मारना है, ऐसा मैसेज, ऐसा डिसीजन ले लिया आपके ब्रेन ने। तो मोटर एरिया को बोला, मोटर एरिया क्या है? हमारे मसल्स को कंट्रोल करती है। ब्रेन ने वो सिग्नल भेज दिया मोटर एरिया को, मोटर एरिया यहां से मैसेज लाएंगी और ये मैसेज ये आ गया, इसमें से मैसेज आ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, फिर यहां से कोई धागा निकला, ये मैसेज लेके जा रहा है और यहां पे जो स्केलेटन सिस्टम के साथ मान लीजिए जो मसल्स जुड़ी हैं उन मसल्स को कमांड दे दिया, मसल्स को मैसेज मिला, एसिटिल कोलीन मिलता है, मैंने कल आपको समझाया था, लास्ट में वो केमिकल निकालेगा एसिटिल कोलीन, और मसल्स को जैसे ही मैसेज मिला ये हाथ तुरंत खड़ा हो जाएगा और फटाक से थप्पड़ मार देगा। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपके एक स्पेसिफिक ऑर्गन को या स्पेसिफिक टिश्यू को जो मैसेज आता है काम करने के लिए कि आपको ये काम करना है, ये जो मैसेज लाने वाली नर्व है इन नर्व को हम बोलते हैं एफरेंट फाइबर। इनको क्या बोलते हैं? एफरेंट फाइबर। ध्यान देना, एक जो सेंस ऑर्गन से मैसेज हमारे सीएनएस को लाती है वो एफरेंट, और जो सीएनएस से एक इफेक्टर टिश्यू या इफेक्टर ऑर्गन को मैसेज दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, तो ये जो मैसेज ऑर्गन के लिए जा रहा है या टिश्यू के लिए जा रहा है ये जो चेन है ये कहलाएगी आपकी एफरेंट फाइबर। ठीक है, वो इधर के हाथ में जा सकती है, इधर के हाथ में जा सकती है, वो टांग में जा सकती है, लात मारना है तो फिर वो टांग में चली जाएगी, जैसा भी ब्रेन ने डिसीजन लिया वो मैसेज तुरंत इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाएगा और वो आपका रेस्पॉन्स हो जाएगा। आपके बॉडी के बॉडी को काम करना है एच पर विल पावर, एच पर डिसीजन ऑफ ब्रेन। तो ये दो तरह का, इस तरह का हमारे हर ऑर्गन के पास इस तरह का ये आने वाला धागा भी है और जाने वाला धागा भी है, हर ऑर्गन में, हर पार्ट में, बॉडी में ये सीएनएस से ये धागे निकलते हैं। अब ये जो सीएनएस के धागे हैं, चाहे आने वाले हों या जाने वाले, ये धागों को भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। मान लीजिए ये धागा आपका लंग्स को जा रहा है, मान लीजिए ये धागा लंग्स से आ रहा है, ये मान लीजिए आपका किडनी से धागा आ रहा है, हाँ, और ये मान लीजिए किडनी को धागा जा रहा है, हाँ, ये किडनी को हो गया, इधर लीवर को जा रहा है मैसेज, इधर लीवर से मैसेज आ रहा है। तो हर एक ऑर्गन को मैसेज जा भी रहा है और हर एक मैसेज आ भी रहा है। डायफ्राम की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, हैं, आपके स्केलेटन सिस्टम की बात करें, हर बॉडी के पार्ट को लगातार मैसेज जा रहे हैं और लगातार मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं ये दो टाइप के हैं। हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं। एक जे, जे एक कुछ ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं वॉलेंट्री ऑर्गन, और एक ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं अनवॉलेंट्री ऑर्गन। देखिए, जब हमने मसल्स पढ़ा था तो आपको समझाया था, जो ऑर्गन अपना काम खुद करते रहते हैं और हमारे ब्रेन के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होते उनको हम बोलते हैं अनवॉलेंट्री। जैसे मान लीजिए फूड पाइप के अंदर डाइजेशन चल रहा है, अब आपका कोई नियंत्रण थोड़ी है, वो तो अपना काम खुद करता रहेगा। आप अगर सोचे कि डाइजेशन यहीं रुक जाए तो क्या वो रुकेगा? वो नहीं रुकेगा, वो ऑटोमेटिक चलता रहता है, अनवॉलेंट्री ऑर्गन है। लेकिन आपके यहाँ पे जो हड्डियों से जुड़ी हुई मसल्स हैं कि हाथ ऊपर उठाना है कि हाथ नीचे लेके जाना है, ये सब ऑर्गन क्या है? ये वॉलेंट्री ऑर्गन है, ये आपका कहना मानते हैं, जैसा आप सोचेंगे ऐसा ये ऑर्गन काम करेंगे। सिंपल है ना? तो अनवॉलेंट्री ऑर्गन में एक्चुअली होती हैं वहां पर स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स होती हैं अनवॉलेंट्री ऑर्गन में,
और वॉलेंट्री ऑर्गन में एक्चुअली होती हैं आपके रफ मसल्स, रफ मसल्स, ठीक है। ये मसल्स एक्चुअली कुछ ऑर्गन के अंदर स्मूथ मसल्स हैं, कुछ ऑर्गन के अंदर रफ मसल्स हैं। रफ मसल्स वॉलेंट्री होती हैं, इसलिए ये ऑर्गन आपके वॉलेंट्री काम करते हैं। आपका देखिए हार्ट की बात करें, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, आपके बाइल जूस की सीक्रेशन की बात करें लीवर में, डायफ्राम की बात करें, रिब्स को ऊपर उठाना, रिब्स को नीचे ले जाना, ये सब अनवॉलेंट्री होता है। स्मूथ मसल्स वहां पे होती हैं और इन ऑर्गन को मैसेज लाने वाली और लेके जाने वाली जो मसल्स हैं, जो नर्व हैं, मान लीजिए ये आपका हर्ट है, हर्ट को मैसेज आने वाला भी है और मैसेज जाने वाला भी है। ये जो नर्व हैं, ये वाली जो ऑटोनोमस ऑर्गन को आ रही हैं और ऑटोनोमस ऑर्गन से जा रही हैं, ये जो मसल्स हैं जो ऑटोनोमस ऑर्गन को मैसेज डिलीवर करती हैं, इनको हम बोलते हैं ANS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनोमस ऑर्गन को मैसेज आता है और जाता है, देखिए एफरेंट और ईफरेंट दोनों हैं जो यहां पे हैं ऑटोनोमस ऑर्गन को, किडनी है, लंग्स है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, डायफ्राम है, यहां पर ये ऑटोमेटिक अपना काम करते, फिर भी वहां नर्वस सिस्टम की नर्व आती हैं और जाती हैं, ध्यान देना। ये जो है वो कहलाता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और जो मान लीजिए आपके स्केलेटन सिस्टम की रफ मसल्स को मैसेज आ रहा है और वहां से जा रहा है, मान लीजिए आपके हाथों की ये मसल्स को मैसेज जा रहा है या फिर सेंस ऑर्गन से मैसेज आ रहा है, ये जो हाथों का मूवमेंट है, ये क्या है? ये आपका वॉलेंट्री मूवमेंट है, यहां पे भी आपके मसल्स आ रही हैं और जा रही हैं। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। इसको सोमेटिक, सोमेटिक मतलब नॉर्मल बॉडी, सोमेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। हम ये कह सकते हैं कि ANS जो है वो स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करने वाला पार्ट है और सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपका रफ मसल्स को कंट्रोल करने वाला पार्ट है। रफ मसल्स ही वॉलेंट्री होते हैं, जो वॉलेंट्री को कंट्रोल करे वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो अनवॉलेंट्री को कंट्रोल करे वो आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। चाहे वो सोमेटिक हो या ऑटोनोमिक हो, हर जगह एफरेंट नर्व आ रही है और ईफरेंट नर्व जा रही है, एफरेंट आने वाली, ईफरेंट जाने वाली। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज ला रही है वो एफरेंट, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेके जा रही है वो ईफरेंट कहलाएगी। तो हमारे पूरे बॉडी में एक तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को चाहे ऑटोनोमस से आ रहा है या सोमेटिक से आ रहा है, चाहे ऑटोनोमस को जा रहा है या सोमेटिक को जा रहा है, ये जितनी भी नर्व मैसेज लाती हैं या लेके जाती हैं इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन सबको मिलाकर हम बोलते हैं PNS, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। बात समझना, पूरे नर्वस सिस्टम को केवल दो पार्ट में बांटते हैं, एक CNS और एक PNS। देखिए मैं अब इसको दोबारा से आपको समझाता हूं। पूरे नर्वस सिस्टम को हम दो में बांटते हैं, CNS और PNS। CNS में आपके आएंगे ब्रेन और आएगा आपका स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, और इनको मैसेज लाने वाली और यहां से मैसेज जाने वाली, ये जितनी भी, चाहे वो ऑटोनोमस हो ANS हो, चाहे वो आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इन सब को मिलाकर सभी नर्व को, जितनी भी नर्व हैं, इन सब को हम बोलते हैं PNS। इन सब को क्या बोलते हैं? PNS बोलते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल है।
अब यहां पर एक चीज और है, ये जितनी भी नर्व हैं, एक्चुअली न्यूरॉन की चेन जो धागे हैं जो सीएनएस को मैसेज ला रहे हैं। अब देखिए ये मैंने आपका ब्रेन बना दिया और ये ब्रेन से धागा लगा दिया, स्पाइनल कॉर्ड लगा दिया, ठीक है। अगर ये धागे सीधा आकर स्पाइनल कॉर्ड को जुड़ते हैं या स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं तो इन सभी फाइबर को हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व। इनको क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व। और कुछ धागे जैसे आंख के या कान के सीधा ब्रेन को जाके जोड़ते हैं, कान के, जीभ के, वो सीधा मैसेज ब्रेन को देते हैं, ना कि स्पाइनल कॉर्ड को। जो सीधा ब्रेन को मैसेज देते हैं या सीधा ब्रेन से मैसेज लेते हैं उन नर्व को हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए दो तरह की नर्व पाई जाती हैं, जो सीधा ब्रेन को मैसेज लाती हैं उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व, जो स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज पहले लाती हैं उन्हें हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व। ये जितनी भी नर्व हैं जो मैसेज लाना और ले जाने का काम करती हैं इन सबको बोलते हैं पीएनएस। पीएनएस दो तरह का होता है। अगर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से आ रहा है, मतलब एएनएस जो आपके ऑटोमेटिक काम करने वाले जो ऑर्गन्स हैं, अगर वहां से मैसेज आ रहा है या वहां को मैसेज जा रहा है, अगर एएनएस से सीधा आया यहां स्पाइनल कॉर्ड को, तो ये ऑटोनोमस सर्व जो नर्वस सिस्टम की जो नर्व है वो किस कैटेगरी में आएंगी? स्पाइनल में आएंगी। अगर एएनएस का सीधा जा रहा है ब्रेन को तो किस में जाएंगी? क्रेनियल में आएंगी। ऐसे ही सोमेटिक से भी है। सोमेटिक मतलब जो वॉलेंट्री, जैसे आपका स्केलेटन सिस्टम, आपके हाथ पैर का मूवमेंट सोमेटिक नर्वस सिस्टम से होता है। तो इतना सारा डरने की बात नहीं है, आप एकदम डर जाएंगे सीएनएस क्या है, पीएनएस क्या है, एएनएस क्या है, एसएनएस क्या है। अरे भैया कुछ नहीं है, कुल मिला के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कुछ नर्व मैसेज ला रही है और कुछ नर्व मैसेज लेके जा रही है। अगर ऑटोनोमस नर्व कोई ऑटोनोमस ऑर्गन है वहां से मैसेज आ रहा है जा रहा है तो उसको एएनएस बोलेंगे, कोई सोमेटिक पार्ट को आ रहा है जा रहा है तो उसको सोमेटिक नर्वस सिस्टम बोलेंगे। सिंपल सी बात। अब एएनएस के धागे भी दो तरह के हैं। एएनएस से जो नर्व आती हैं वो भी दो तरह की हैं। एक को बोलते हैं सिंपैथेटिक और दूसरे को बोलते हैं पैरासिंपैथेटिक। ये लफड़ा हो गया सर, अभी खत्म नहीं हुआ क्या ये? नहीं भैया अभी खत्म नहीं हुआ। ये एएनएस की अगर हम बात करते, ऑटोनोमस ऑर्गन से जो भी नर्व आ रही हैं या जा रही हैं वो दो तरह की होती हैं। एक को बोलते हैं हम सिंपैथेटिक नर्व, सिंपैथेटिक नर्व। दूसरे को बोलते हैं पैरा सिंपैथेटिक नर्व। देखिए सिंपल अगर समझना है बिना कोई टेंशन लिए, बिना कोई वर्डन लिए, तो आप इतना समझ लीजिए सिंपैथेटिक नर्व ऑटोनोमस ऑर्गन को काम करने के लिए स्टिमुलेट करती हैं। ये बोलेंगे कि काम करो, तेजी से काम करो, इस तरह का मैसेज अगर आ रहा है और जा रहा है तो वो नर्व है सिंपैथेटिक। अगर बोलते हैं कि काम बंद करो, स्लो करो, आराम से रहो, रेस्ट करो, अगर ऐसा कोई मैसेज लाती है ऑटोनोमस ऑर्गन के लिए तो वो कहलाती है पैरासिंपैथेटिक नर्व। ठीक है, ये एक्चुअली पैरासिंपैथेटिक नर्व हमारे बॉडी को रिलैक्स स्टेट में बनाए रखने का काम करती है और सिंपैथेटिक नर्व हमारे बॉडी को फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार, एकदम वेल रेडी, एकदम बॉडी एकदम रेडी करने के लिए। तो ये हम कह सकते हैं कि बॉडी को स्टिमुलेट करने का काम होता है इनका, सिंपैथेटिक नर्व का। ऑटोनोमस ऑर्गन को काम कराने वाली ये हार्ट बीट एकदम बढ़ानी है, हार्ट बीट बढ़ानी है तो कौन नर्व कौन मैसेज लेके आएगा? सिंपैथेटिक नर्व। अगर हार्ट बीट स्लो करना है, रिलैक्स करना है, कौन लेके आएगा? पैरासिंपैथेटिक नर्व। मैसेज आएगा ब्रेन से तभी आपका ऑर्गन या तो बहुत फास्ट हो जाएगा या बहुत स्लो हो जाएगा। तो स्लो डाउन करने का काम, रिलैक्स आपके बॉडी के ऑर्गन रिलैक्स में रहें, ज्यादा तनाव महसूस ना करें, बिल्कुल एकदम शांत रहें,
वो मैसेज लेके आती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व, आपके बॉडी को एकदम से तैयार करने के लिए, बस डू एंड डाई, फाइट और फ्लाइट। अगर ऐसा कोई मैसेज आता है कि तुरंत तैयार करो, फास्ट करो, स्टिमुलेट करो, तो वो सिंपैथेटिक नर्व होती है। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम हमारे सिलेबस में इतना ज्यादा भी नहीं है, ज्यादा हमको डीप में जाना भी नहीं है। कुल मिला के आपको इतना समझ में आया होगा कि हमारे बॉडी के हर ऑर्गन तक बहुत सारी नर्व का जाल बिछा हुआ है। वो नर्व लगातार बाहर सेंस ऑर्गन से मैसेज लाते हैं, सीएनएस को देते हैं, सीएनएस उनको डिसीजन लेता है, प्रोसेस करता है, एनालिसिस करता है, ताकि आपके बॉडी के स्पेसिफिक ऑर्गन को कमांड भेजे जा सके। तो इस तरह से मैंने आपको कहीं ना कहीं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन दिया। अभी नेक्स्ट पार्ट है न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। कहीं ना कहीं चाहे ब्रेन की बात करें, चाहे हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, चाहे हम नर्व की बात करें, वो नर्व कोई भी है, चाहे सोमेटिक वाली है, चाहे वो ऑटोनोमस वाली, कोई भी, सभी नर्व, सभी धागे, ये सब किस चीज से बने हैं? ये सब के सब बने हैं न्यूरॉन सेल से। तो न्यूरॉन सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। अगर ये न्यूरॉन सेल नहीं होती तो ना तो ब्रेन होता, ना स्पाइनल कॉर्ड होता, ना नर्व होती। ये स्पेशल यूनिक सेल हैं जो स्पेशल काम करती हैं मैसेज ट्रांसफर का, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बहुत ही फास्ट स्पीड में मैसेज डिलीवर होता है हर ऑर्गन के लिए। आखिर कैसी होती है न्यूरॉन सेल, ये हमको देखना है। तो मुझे लग रहा है कि आज समय काफी हो गया, कल हम न्यूरॉन सेल कैसी होती है इसके बारे में बात करें।